दोस्तों यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में नकलची हो जाएं सावधान, कॉपियों में बार कोड और मोनोग्राम लगाया जाएगा दोस्तों, जिसके तहत कॉपियों की अदला बदली नहीं हो पाएगी। शुचिता पूर्वक बोर्ड परीक्षा 2023 दोस्तों इस बार कराई जाएगी। मुख्यमंत्री के सीधे आदेश है कि नकल पर दोस्तों शिकंजा कसा जाएगा यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में। दोस्तों बोर्ड अगले साल दोनों कक्षाओं की करीब 3.5 करोड़ कॉपियों में बार कोड का भी यूज करेगा, जिससे दोस्तों कॉपियों की अदला बदली, जो नकल माफिया दोस्तों कॉपियों की अदला बदली कर देते थे, नकल के तरीके आपके पास हजार होंगे, लेकिन नकलची इस बार पूरी तरह से सावधान रहे। नकल पर दोस्तों बहुत बड़ी नकेल कसने वाली है यूपी बोर्ड परीक्षा में। पूरी न्यूज को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कौन कौन सी सुविधाएं रहेंगी, कौन कौन सी दोस्तों सख्तियां इस बार बरती जाएंगी यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में होने वाली यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए कमर कस ली है। बोर्ड परीक्षा में नकल को रोकने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए पहली बार कॉपियों में बार कोड लगने जा रहा है। दोस्तों बार कोड एक ऐसा कोड है जिससे कॉपियों पर एक विशेष पहचान अंकित हो जाएगी, मतलब जो नकल माफिया करते थे अच्छे बच्चों की कॉपी के अंदर के पेज निकाल के नकल माफिया के किसी जिसका ठेका लिया होता था उन्होंने पास कराने का, उसकी गंदी कॉपी को उसके कवर के अंदर डाल देते थे, जिससे क्या होता था अच्छे बच्चे का दोस्तों नुकसान हो जाता था, वो फेल हो जाता था, और जो बुरा बच्चा होता था वो टॉप कर जाता था। तो बार कोड से इन कॉपियों की अदला बदली पर नकेल लगेगी। इसके अलावा दोस्तों मोनोग्राम भी हर कॉपी पर रहेगा। और इसके बाद यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे, सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने कॉपियों में बार कोड लगाने की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि नकल माफिया से बचने के लिए यूपी बोर्ड इस बार कई सुरक्षा इंतजाम कर रहा है, जिसमें कॉपियों में बार कोड और परीक्षा की रैंडम चेकिंग शामिल है। बोर्ड 3.5 करोड़ से ज्यादा कॉपियों में पहली बार बार कोड का प्रयोग करेगा। इस दौरान परीक्षा केंद्रों का निर्धारण जिलों में शुरू हो गया। इसके अलावा 2023 में जो दोस्तों परीक्षा में क्या क्या सुविधाएं रहेंगी, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, जो कि 2022 में भी हुआ था 2023 में भी होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यूपी बोर्ड 2022 की परीक्षाएं मार्च में आयोजित की गई थी। इसके लिए जो इंतजाम थे दोस्तों वो इस प्रकार थे, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त एक्शन था। इसके बाद बोर्ड परीक्षा की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों का इंतजाम था। परीक्षा केंद्रों पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से कक्ष निरीक्षकों और कर्मियों की तैनाती थी। संवेदनशील जिलों में एसटीएफ की पैनी नजर थी, जहां पर नकल माफिया और नकल पर दोस्तों माफिया एक्टिव थे, वहां पर एसटीएफ की पैनी नजर थी। हर परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी, जिले अनुसार अधिकारियों की निगरानी करवाई गई थी। तो दोस्तों कुछ नहीं नकल में रखा है, अकल से काम करिए और यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी करते रहिए, वही आपके काम आने वाली है। नकल के भरोसे रहोगे तो कभी भी दोस्तों सफल नहीं हो पाओगे। यूपी बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं, सभी मॉडल पेपर अपने टेलीग्राम एग्जाम से दमस यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम चैनल पर हैं, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in से भी आप मॉडल पेपर प्राप्त कर सकते हो, उन्हें सॉल्व करके दोस्तों अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। दोस्तों होंगे नकल के तरीके हजार, लेकिन नकलची रहें सावधान यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में, तैयारी कर लें, इसी में भलाई है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, इस बार होगी परीक्षा बहुत ही कड़ाई के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।